देखो ऑलरेडी फोकस था खासकर 19 और 20th के बीच में, और 20th और 21st के बीच में भी एक स्पेल होगा। तो आज अर्ली मॉर्निंग खासकर जम्मू डिवीज़न के अंदर मॉडरेट टू हैवी, कुछ एक जगहों पे हैवी टू वेरी हैवी बारिशें हुई, और यहाँ वैली के अंदर भी हल्की से लेकर दरमियान दर्जे की बारिशें, कुछ एक जगहों पे गस्टी विंड्स भी चले। और अभी भी मौसम थोड़ा सा अबरालू थे, जम्मू के कुछ एक ज़िलों के अंदर हल्की बूंदाबांदी अभी भी हो रही है। तो आज खासकर जम्मू डिवीज़न के अंदर फिर से मॉडरेट टू हैवी बारिशों के चांस हैं, खासकर लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग के आसपास। और कमिंग डेज़ में यहाँ वैली में भी ऐसे कोई सिग्निफिकेंट वेदर एक्टिविटी नहीं है एक्सेप्ट ब्रीफ शावर्स। बाकी 23rd से टेम्परेचर में थोड़ा सा इजाफा देखने को मिल सकता है, फिर 27th के आसपास फिर से एक ब्रीफ शावर हो सकता है खासकर लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग के आसपास यहाँ वैली में फिर से। बाकी 31st ऑफ अगस्त तक कोई सिग्निफिकेंट वेदर एक्टिविटी नहीं है, लेकिन जम्मू डिवीज़न के अंदर मॉनसून शावर्स खासकर लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग के आसपास ये रहेगा मोर ऑर लेस जम्मू और जम्मू के जो एडजॉइनिंग प्लेन्स हैं। बाकी कोई सिग्निफिकेंट वेदर एक्टिविटी 31st तक नहीं है खासकर यहाँ वैली के अंदर फ्रॉम 23rd ऑनवर्ड्स। फार्मर्स के लिए क्या कुछ एडवाइस? फार्मर्स के लिए देखो अभी बारिशें हुई एक दो दिन, फिलहाल किसी भी किस्म का इरीगेशन हो या दवा पाशी ना करें, और उसके बाद जो है वो फिर से रिज्यूम कर सकते हैं, हार्वेस्टिंग जो है वो कंटिन्यू कर रख सकते हैं खासकर 22nd 23rd से। तो कमिंग डेज में वेदर वैसे भी इम्प्रूव हो रहा है, तो उसके बाद जो है फिर से रिज्यूम कर सकते हैं जो भी रूटीन वर्क है।